हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा का दिवस है, तो गौ माता की पूजा की जाती है। आप जानते ही हैं कि कृष्ण जी गौ माता की बहुत सेवा करते थे, और गौपालों ने कहा जाता है गौ को पालते थे और उन्हीं का ही घी खाते थे। तो गाय की हमारे हिंदू धर्म में बहुत महिमा है, और आज गौ माता का दिन है। तो दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पर गौशाला में। ये सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है, और जस्ट इसके पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारी गायें हैं, तो वहाँ पे गौशाला है। चलिए वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से गौ माता को रखा गया है और किस तरीके से उनका पालन किया जाता है यहाँ पे। चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये देखिए सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर गौशाला। तो ये यहाँ पे गौशाला है दोस्तों, पर आज क्या, क्योंकि गौ माता का दिवस है, इसलिए सारी गौ माता को बाहर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से सारी की सारी गौ माता हैं, बाहर हैं, उनको तिलक लगाया गया है और उनको डेकोरेट किया गया है माता को, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सारी की सारी गौ माता इस तरीके से यहाँ पे खड़ी है। और आज का दिन, अभी यहाँ पे क्या मेन रोड है, तो कोई भी इंसान आना चाहता है, गौ माता को पालक खिलाना चाहता है, गुड़ खिलाना चाहता है, घास खिलाना चाहता है, केला खिलाना चाहता है, इस तरीके से आप आ करके पूजा कर सकते हैं उनकी, या जो भी खिला सकते हैं उन्हें खिला चाहिए। तो दोस्तों, गौ माता में माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो मतलब बहुत मान्यता है। गाय की जितनी सेवा की जाए, उनको जितना दान किया जाए, वो कम है। तो दोस्तों, इसलिए मतलब मैं यही कहूँगा कि कोशिश किया करिए कि आपके भी आसपास रास्ते में गायें टकराए तो नज़र आए तो आप कुछ उन्हें खिलाया करिए। और ऐसा भी रहता है कि जो रोटी बनती है, पहली रोटी गाय के लिए दी जाती है, तो ऐसा करने से कभी उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और बरकत बनी रहती है। और गौमूत्र के फ़ायदे तो आप सब जानते ही हैं, पंचगव्य रहता है, हवन वगैरह में प्रयोग किया जाता है, तो गौ माता के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। अब आप मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपको किसी की नज़र लग गई है, तो ये देख रहे हैं आप गौ माता की पूंछ, तो अगर आप इसका छिड़काव करेंगे अपने ऊपर, तो हर तरीके की नज़र वगैरह भी आपकी उतर जाती है। और अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो आप गाय पर हाथ फेरिए, क्योंकि गौ माता की जो नाड़ी रहती है ऊपर वाली पीठ की, वो रहती है सूर्य केतु नाड़ी, तो वो सन से कुछ ऐसी रेज एब्जॉर्व करती हैं जिससे कि इंसान ठीक हो सकता है। तो अगर आप गाय को हाथ फेरा करेंगे लगातार 1-1.5 महीने तक, तो आपकी कैसी भी बीमारी हो वो सब ठीक हो जाएगी। तो बहुत सी मान्यता है गौ माता को लेकर, इसलिए ही उनको हिंदू धर्म में इतनी इज्जत मिली है और उनकी सेवा की जाती है। बहुत प्यारी माता रहती हैं, हमें दूध देती हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप भी इस तरीके से, देखो कितनी प्यारी है, प्यार करवा रही है। आप चाहो तो गौ माता को सहला सकते हो इस तरीके से, वो आपको सहलाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब यही है, हैप्पी गोवर्धन पूजा। और आप सबको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे तरीके से गौ माता की सेवा करिए जितना हो सकता है ना। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, छोटा सा गोवर्धन पर्वत टाइप, और यहाँ पे आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं, और यहाँ पे दान दक्षिणा जो चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर गौशाला, जहाँ पे गौ माता की सेवा की जाती है। और Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। इस वीडियो का मकसद केवल यही था कि आप लोग भी गौ माता की सेवा करें, और गौ माता को जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो सकता है, जितना उनको कुछ खिला सकते हैं, है ना, रोटी दे सकते हैं या कुछ भी खिला सकते हैं, वो खिलाइए और इज्जत करिए गौ माता की। आसपास बहुत सारी गौ माता हैं जो ऐसी भटक रही हैं। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो करना चाहते हैं दिल खोल के करिए। चलिए, बाय बाय।